सोना लाने नहीं देता अमरीका अपने यहाँ से, एयरपोर्ट पर चेकिंग होता है कि सोना इसे आलू प्याज की तरह खरीद के लेके आएंगे। हाँ नहीं, डॉलर छाप रहा था वो, अमेरिका क्या दे रहा था, डॉलर छाप रहा है। अब अमेरिका पहले डॉलर कैसे छापा जाता था, उतना का सोना रखना होता था। सपोज कीजिए कि आपने 10 डॉलर दे दिया तो उतना का सोना रखिएगा ना। अब अमेरिका सोना नहीं रखता, डॉलर छापते रहता है, डॉलर छाप दिया। पूरी दुनिया में व्यापार अब किसमें होता है, डॉलर में होता है। और कई देश चाहते हैं कि डॉलर में व्यापार न किया जाए, जैसे रूस। तो जो सबसे पहले इसमें काम उठाए थे सद्दाम हुसैन, कहाँ गए, कहाँ दिया, मुअम्मर गद्दाफी लीबिया खत्म, सीरिया खत्म। जितना लोग डॉलर के खिलाफ बोलता है सबको अमेरिका तबाह कर देता है। इसलिए अमेरिका दिखेगा जिसको भी लगता है ना कि अमेरिका के खिलाफ जा सकता है, अमेरिका उसके किसी न किसी दुश्मन से दोस्ती रखे रहता है। भारत को लगता है, अमेरिका को लगता है भारत डॉलर को हिला देगा, इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती किया रहता है। जहां भारत डॉलर के खिलाफ कुछ भी करेगा, पाकिस्तान को पैसा दे देगा, हथियार दे देगा, तबाह हो जाएगा। भारत को इशारा इशारा में पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाता कोई दुश्मनी क्यों कर रहा है, चाइना ज्यादा उड़ेंगे तो भारत को दे देगा। तो इससे इसका यही हो गया कि आप डॉलर को खत्म करने का, अच्छा जिस दिन डॉलर का चेन टूटा अमेरिका टूट जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया पहुंच जाएगी उसके पास मांगने के लिए। फिर उसको मजबूरी में अपना सोना देना पड़ेगा, पूरा रिजर्व खाली हो जाएगा। लेकिन वहां तक अकेले कोई पहुंच सकता है, जो अकेले जाएगा मरा के आएगा। इसलिए भारत ने आज से लगभग 20 साल पहले हम लोग ब्रिक्स बना के रेडी किए थे। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, अभी 10 देश हो गए, और हम लोग इसको 20 देश तक ले जाएंगे। और खास करके उन देशों को रखेंगे जिनका व्यापार ज्यादा होता है, जिनका व्यापार ज्यादा होता है, और ये सब पावरफुल देश है सब। शुरुआत में हम लोग ब्रिक्स व्यापार के लिए, ब्रिक्स व्यापार के लिए धीरे धीरे करते करते ब्रिक्स का बैंक बना लिए, अब धीरे धीरे ब्रिक्स की करेंसी बनाएंगे। उसके बाद हम लोग डॉलर को साइड कर देंगे, और जिस दिन डॉलर साइड हुआ अमेरिका तबाह हो जाएगा। समझा गया कि नहीं गया यहाँ पे? तो इसीलिए ना मनमोहन सिंह का देखिएगा ना आप, कोई कितना विरोधी होगा ना, मनमोहन सिंह का पर्सनल विरोध नहीं करता, मनमोहन सिंह का पर्सनल विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो लोग का दूरदर्शिता बहुत दूर तक था। किसी से डॉलर पे हम कब तक नहीं रहेंगे? अच्छा, नोट छाप के अगर कोई गरीबी दूर कर सकता है तो अमेरिका है, क्योंकि बदले में उसको सोना नहीं देना है, बदले में उसको सोना नहीं देना है। आप नोट छाप देगा, जाइए, सोना तो देना ही नहीं उसको, सोना देना जी। तो डॉलर कूटनीति समझ रहा है, ये बात सुन के जान में जान आया। सोचिए अमेरिका कितना खतरनाक है, ये अमेरिका समझदार बन रहा है। सबसे बड़े अर्थ हमारे यहाँ विद्वान थे चाणक्य, उतनी मोटी किताब लिखा राजनीति का, नाम रखा अर्थशास्त्र, क्योंकि पैसा से ही राजनीति चालू होती है। राजनीति किसे चालू होता है, पैसा। अमेरिका जो भी डॉलर को चैलेंज करेगा अमेरिका उसको मार डालेगा, क्योंकि आप डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहे, पूरे देश का भविष्य निर्भर है किस पे, डॉलर पे। और डॉलर चैलेंज होगा तो ब्रिक्स से ही, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार भारत ब्रिक्स वाले ही करते हैं। कौन करते हैं? ब्रिक्स वाले। हम लोग पैसे नहीं लेंगे डॉलर में, कहेंगे नहीं लेंगे, हम रुपया में भी नहीं लेंगे ना। ब्रिक्स की कॉमन करेंसी बनेगी, ब्रिक्स क्या बनेगी, ब्रिक्स करेंसी क्या रहेगी, ब्रिक्स करेंसी, काम खत्म। समझा कि नहीं आएगा पूरी दुनिया को। अच्छा, अमेरिका ने क्या किया, उसके कोई डॉलर को चैलेंज ना कर सके, इसलिए उसने कहा कि एक देश से दूसरे देश में पैसा जाने के लिए, जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जाने के लिए आईएफएससी कोड चाहिए ना, बिना आईएफएससी कोड भेज सकते हैं नहीं, उसी तरह एक एक देश के अंदर भेजना है तो आईएफएससी को, अब बाहर भेजना है तो स्विफ्ट कोड। कौन सा स्विफ्ट कोड, कौन सा कोड, एफ होगा, स्विफ्ट कोड, क्या चाहिए, स्विफ्ट। अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप विदेश में पैसा भेज ही नहीं सकते। इतना अमेरिका है, कहता है कि स्विफ्ट कोड में इसी ने बनाया, स्विफ्ट कोड सबको पहले आदत लगा दिया, स्विफ्ट कोड एकदम सुरक्षित था, गलती से पैसा इधर से उधर गया तो वापस आ सकता था, सब लोग किसका नियम बना लिया स्विफ्ट कोड। अब जो डॉलर नहीं मानता उसको स्विफ्ट कोड से बाहर कर देता, पैसा जाएगा। रूस ने डॉलर नहीं मांगा तो उसको स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। अब रूस के अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, भारत भेज रहा है पैसे नहीं जा रहा है। S-400 मिसाइल हम लोग किसे खरीद लिए, रूस से, अगर हमको डॉलर में नहीं चाहिए तो डॉलर में नहीं चाहिए तो आईएफएससी कोड थोड़ा कि भारत में पैसा भेज, इंटरनेशनल भेजना है। समझा गया, स्विफ्ट कोड पैसा नहीं जा रहा है तो रूस का एक काम करो, हमारा ना 35 पानी वाला जहाज बना के भेज दो। हम लोग छोटे छोटे पानी वाला कार्गो जहाज जिसमें सामान ढो जाता है बना के भेज दिया, ये तो बाटा सिस्टम हो गया, नहीं हो गया एक्सचेंज सिस्टम, नहीं हो गया बाटा। तो अमेरिका की दुश्मनी केवल किसी से, डॉलर से, किसका, अमेरिका, मनमौजी करता है रेट डिसाइड करने में। अब रेट डिसाइड पहले डॉलर समझो ना, तुम गधा कहीं का, हमेशा डेट पहले ही तुम फल लगा देता पेड़ पे, गधा कहीं, हम नीचे समझाते जा रहे हैं, पहले समझो ना रेट कैसे डिसाइड होगा, बार बार बकलो कहीं डॉलर में पता नहीं चला यहाँ रेट कौन डिसाइड करेगा, रेट कौन डिसाइड करेगा, समझ रहा है कि नहीं आ रहा, डॉलर कुछ नहीं समझ रहा, लड़की से कुछ समझ नहीं आया, हाँ खाली पैसा।